प्रदेश में अपनी पार्टी को और मजबूती दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी जमकर प्रयास कर रही है। ऐसे में अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोगों का मनोबल अभी कमजोर है, वो सपा के लोगों का सामना नहीं कर पा रहे हैं। बता दें कि शनिवार रात अखिलेश यादव सैफई स्थित अपने आवास पर पहुंच गए थे। उन्होंने यहां यात्री विश्राम के बाद शनिवार सुबह सपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। सावन के पहले श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन और आरती के टिकट की ऑनलाइन बुकिंग बंद हो गई है। मंदिर की वेबसाइट पर श्रद्धालु 20 जुलाई तक ही टिकट को ऑनलाइन बुक करा पा रहे हैं। वहीं मंगला आरती के टिकट तो 10 जुलाई 14 और 15 जुलाई के टिकट भी ऑनलाइन बुक हो चुके हैं। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर की वेबसाइट पर महीने भर के टिकट बुकिंग की सुविधा उपलब्ध है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने अल्ट्राटेक गेस्ट हाउस में वार्ता की। इस दौरान पूर्व सीएम ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं की निराशजनक सोच के कारण लोकसभा चुनाव में सीटें कम मिली, जिस कारण केंद्र में कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई। इस दौरान पूर्व सीएम ने यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव सपा के साथ मिलकर लड़ने की बात कही है। कहा कि संगठन के प्रति सपा के कार्यकर्ता समर्पित हैं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को प्रेरणा लेनी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकारी आवास पर जनता दर्शन किया। इस दौरान आए सैकड़ों फरियादियों ने अपनी पीड़ा रखी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी फरियादियों के पास स्वयं पहुंचे और समस्याएं सुनी। बता दें कि सर्वाधिक शिकायत शाहजहांपुर से पहुंची। इसमें से अधिकांश शिकायतें जमीन कब्जे व पैमाइश में हिला हवाली से जुड़ी थी, जिस पर सीएम काफी नाराज हुए। वाचक प्रदीप मिश्रा के बाद अब ब्रह्मा ऋषि कुमार स्वामी ने अपने कथन पर ब्रजवासियों से वीडियो जारी कर माफी मांगी है। वीडियो में उन्होंने कहा कि अभी वो अमेरिका में हैं, विदेश से वापस लौटते ही ब्रज आएंगे। भगवान श्री कृष्ण को लेकर टिप्पणी करने के बाद ब्रजवासियों एवं कृष्ण भक्त द्वारा चौतरफा विरोध के बाद ऋषि जो है वो कुमार स्वामी का वीडियो एक फॉलोअर से साझा किया गया है। लोकसभा हाथरस के सांसद बनने के बाद राजस्व मंत्री अनूप वाल्मीकि के द्वारा अब जमीनी स्तर पर भी काम करना शुरू कर दिया गया है। स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़े सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर सांसद के द्वारा पहले औचक निरीक्षण किया गया। सांसद बनने के बाद ये उनका पहला निरीक्षण था, जिसमें लापरवाह डॉक्टरों की कार्यशैली सांसद के सामने उजागर हो गई। लापरवाह डॉक्टरों को लेकर अनूप वाल्मीकि के द्वारा कड़ी फटकार लगाते हुए आम जनता को स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू रूप से देने के कड़े निर्देश दिए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता उमा भारती ने कहा कि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में पार्टी के खराब प्रदर्शन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दोष नहीं दिया जाना चाहिए। साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद भी पार्टी ने राज्य में खराब प्रदर्शन किया था। लंबे समय से राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय को लेकर चल रही लापरवाही का आज मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र के द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। मुख्य सचिव के द्वारा राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय में पहुंचकर बारीकी से जांच पड़ताल की। हर बिंदु पर उनके द्वारा बारीकी से जांच पड़ताल करते हुए अगस्त माह तक राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय के सत्र को चालू करने की बात रखी है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने भारत में अल्पसंख्यकों की धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिका की रिपोर्ट को खारिज किया है। मौलाना ने कहा कि अमेरिकी रिपोर्ट गुमराह करने वाली है, खुद अमेरिका के अंदर मानव अधिकारियों का हनन होता है। वे अपने घर के मुद्दों को ना देखकर भारत के अंदर झांकने की कोशिश कर रहे हैं। भारत में अल्पसंख्यक खुद को सुरक्षित और स्वतंत्र समझते हैं। उत्तर प्रदेश में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकार बड़े स्तर पर प्रयास कर रही है। प्रदेश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई कार्यक्रम कर रही है। इसी कड़ी में सरकार अयोध्या, वाराणसी और गोरखपुर में पीएम सूर्य घर रूफटॉप सोलर योजना के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए बड़े स्तर पर एक जागरूकता अभियान की शुरुआत करने जा रही है।